हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स इन दिनों देश भर में छाई हुई है। अपनी रिलीज के साथ ही ये फिल्म कई रिकॉर्ड कायम करती हुई नजर आ रही है। सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही कई तरह के विवादों में घिरी द कश्मीर फाइल्स लोगों के बीच काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद से ही रोजाना उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच फिल्म ने रविवार को भी अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक नया मुकाम हासिल कर लिया। रविवार को हुए फिल्म के ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर कहा जा सकता है कि विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को छुट्टी का भरपूर फायदा मिला है। फिल्म ने रविवार को करीब 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रविवार को हुई कमाई के बाद द कश्मीर फाइल्स कोरोना काल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। बता दें, फिल्म के कलेक्शन की जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। उन्होंने लिखा, द कश्मीर फाइल्स शोज फिनोमिनल ग्रोथ, ग्रोस 325.35% ऑन डे 3, न्यू रिकॉर्ड, मेट्रोस, मास बेल्ट, मल्टीप्लेक्सेस, सिंगल स्क्रीन, द ओपनिंग वीकेंड बिज इज टेरिफिक अक्रॉस द बोर्ड। फ्राइडे 3.55 करोड़, सैटरडे 8.50 करोड़, संडे 15.10 करोड़, टोटल 27.15 करोड़ इंडिया बिज। 14 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन यानी कि शुक्रवार को 3.55 करोड़ कमाए थे, तो वहीं शनिवार को अपनी कमाई में 100% का इजाफा करते हुए इसने 8.50 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद रविवार को सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए द कश्मीर फाइल्स ने तमाम विवादों और आलोचनाओं के बावजूद 15 करोड़ रुपए अपने झोली में डाल लिए हैं और फिल्म ने अपना बजट भी वसूल लिया है। बता दें, साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधेश्याम के साथ रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स को देश भर में काफी सीमित स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म को शुरुआत में सिर्फ 650 स्क्रीन मिली थी, हालांकि अब इसकी स्क्रीन को बढ़ा दिया गया है। फिल्म की कमाई और स्क्रीन की संख्या में हुई बढ़ोतरी इस फिल्म की सफलता को बताने के लिए काफी है। तेजी से आगे बढ़ते हुए फिल्म के कलेक्शन को देख कहा जा सकता है कि कश्मीर फाइल्स दर्शकों को पसंद आ रही है। फिल्म की बात करें तो विवेक अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी जैसे कई बड़े स्टार्स हैं। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी को दर्शाया गया है। खैर, देखने वाली बात अब यह होगी आने वाले दिनों में यह फिल्म कितने करोड़ का कारोबार करती है। हमें कल्चर जोड़ता है। कैसे? आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हूँ, आप कहीं और से हैं, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक हो जाते हैं। हम जब खाना शेयर करते हैं या हम गाने गाते हैं साथ में, या कपड़ों को लेके, त्योहारों को लेके, म्यूजिक से, आर्ट से, कहानियों से, लिटरेचर से, ड्रामा से, फिल्मों से, हम क्यों OTT और फिल्मों का एक्सपीरियंस अलग है। फिल्म जब हम 300-400 लोग एक साथ बैठ के देखते हैं तो एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, एक साथ उठ के चले जाते हैं। तो ये कल्चर जो है वो इंसान को जोड़ता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि कश्मीर में आज कल्चर के नाम पे कुछ बचा नहीं है, एक मोनोटोनिक चीज है, कोई डाइवर्सिटी। कश्मीर इतना डाइवर्स था, भारत से, जगह जगह से, केरला से, बंगाल से, सब जगह से लोग वहां गए थे और वहां रिसर्च करके सब अल्टीमेटली पंडित, जिनको आज बोलते हैं पंडित, मतलब द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ अ सब्जेक्ट, तो वहां पे पंडितों का एक समूह बना और वो इंडिया का जितना भी रिसर्च है, 90% से ज्यादा जो इंडिया का रिसर्च है सारा वहां हुआ। इतनी डाइवर्सिटी थी, आज डाइवर्सिटी नहीं है, जीरो डाइवर्सिटी है। वहां म्यूजिक नहीं है, आर्ट नहीं है, लिटरेचर नहीं, खाने में डाइवर्सिटी नहीं है। मैंने खाने के बारे में एक ट्वीट किया था, मैं वेजिटेरियन हूं तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई अब नया जो कश्मीर बन रहा है इसमें वेजिटेरियन खाना भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने फतवा इशू कर दिया मेरे नाम पे। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमारे खाने के बारे में बोलने वाले, और अल्टीमेटली 20-30 सिक्योरिटी के साथ हमें कश्मीर से वापस आना पड़ा। तो ना डाइवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। ये जो फिल्म है, जैसा आप सोच रहे होंगे शायद वैसी ना निकले, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही अलग तरह के थॉट की है और ये इस बात पे एम्फेसिस देती है कि आप आपसी मतभेदों के साथ रह सकते हैं, आप झगड़ा करके, मारपीट करके भी साथ में रह सकते हैं। कितने लोग हैं पड़ोसियों के झगड़े हो जाते हैं। आप दिल्ली में, तो मैं रहता था तो 24 घंटे मैं देखता था ऊपर नीचे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में बरसाती वालों का, ग्राउंड फ्लोर से झगड़ा होता, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर हो जाते थे, फिर साथ में लोहड़ी का त्यौहार और कोई साथ में मनाते थे वो सब, क्योंकि फिर साथ में जैसे गाना गाने लगे, अंताक्षरी हुई, एक फिर से दोस्त हो गए, आपकी शादी हुई, मैं चला गया, फिर दोस्त हो गए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खालीपन वीरावान सा है, और हम लोग भी जो जाते हैं, हम जाते हैं डल लेक पे सेल्फी खींचते हैं, गुलमर्ग में वापस चले आते हैं, हमें कुछ पता चलता नहीं है। यानी डाइवर्सिटी एक बहुत ही देखिए डेंजरस सिचुएशन ये है कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा।
मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज्यादा नहीं मानता। मैं गर्व से एक हिंदू कल्चर, हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है, सीखा है, और वो मुझे जीने का एक सहारा देती है। लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं उसकी उतना आदर करता हूं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं जानता हूं कि मुझसे अलग लोग इस दुनिया में रहते हैं, यही तो सारे विश्व के इंसानों का नेचर है। सब जानते हैं कि अलग विचार के, अलग फेथ के लोग हैं। हम एक शूटिंग कर रहे थे तो पल्लवी एक शिकारा में बैठी हुई थी, और छोटी एक दो बच्चियों को हमने बुलाया था, 8-9 साल की, जो ज़्यादा जानती नहीं है, बहुत ही इनोसेंट बच्चियाँ, वो पल्लवी के दोनों तरफ बैठी थी। तो हम कैमरा वैमरा जब शिफ्ट कर रहे थे, उदय जी हमारे DOP सर हैं यहाँ पे, और तो एक बच्ची शायद एक बजा होगा दोपहर का, नमाज का टाइम था, पल्लवी से उसने बोला आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगी? तो पल्लवी ने बोला नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी। तो कह रही क्यों नहीं जाएंगी आप नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो कहने लगी अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहीं नहीं जाती नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा नहीं देखो ऐसा है मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। कहने लगी तो क्या हुआ, नमाज तो हर कोई पढ़ता है। एक 8-9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, दुनिया में कोई भी बच्चा हो इस बात को जानता है कि अलग अलग फेथ के लोग होते हैं। पर कश्मीर में 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं लोग, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है इस बात का कि दुनिया में डाइवर्सिटी नाम की चीज़ है। इसका भारत और कश्मीर और पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इतनी इग्नोरेंस के साथ बड़ी हो रही है। मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी का, वो लाल रंग के जूते पहनता था, तो मैंने उससे एक दिन शूटिंग के दौरान यही पूछा। वो बड़े अजीब से लंबे लंबे रेड बूट्स थे, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगते थे चमकते हुए लाल। तो मैंने उससे ऐसे ही चढ़ाते हुए बोला क्यों भाई बड़े अच्छे जूते पहन रखे हैं, कहाँ थाईलैंड से लाए हो, फॉरेन से लाए हो? कहता हाँ। तो मैं सोचा शायद थाईलैंड का नाम लेगा, 20-25 हज़ार रुपये के टिकट में कोई भी चला जाता है आजकल थाईलैंड वगैरह। तो मैंने बोला थाईलैंड से? वो बोला नहीं दिल्ली से, इंडिया भी नहीं बोला उसने, दिल्ली से। और मैं यकीन से कह सकता हूं, थोड़ी तो मैं भी समझ रखता हूं इंसान की, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं उसने जिस इनोसेंस से बोला था उसको आइडिया ही नहीं था इस बात का कि वो जो कह रहा है वो गलत है। तो ये जो हमने क्रिएट कर दिया, ये फिल्म यही आपको बताएगी कि क्या होता है जब आप एक सोल को खत्म कर दें, कल्चर को, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सब चीजों को खत्म कर दें, तो वो किसका लॉस है? क्या वो कश्मीर का लॉस है, क्या वो हिंदू मुस्लिम का लॉस है, क्या वो भारत का लॉस है, या पूरी ह्यूमैनिटी का है? अगर कोई आज सिलिकॉन वैली को जाकर डिस्ट्रॉय कर दे तो वो किसका लॉस है? वो आपका और हमारा भी तो लॉस है। लेकिन हम तब तक उसको अपना लॉस और डेंजर नहीं समझते जब तक वो गोरेगांव या बोरीवली तक आके वो खड़ा ना हो जाए आपके सामने, या दिल्ली में गुड़गांव या फरीदाबाद तक ना आ जाए। हमारे तो किसी और का प्रॉब्लम है, देख लेंगे। पर ये फिल्म देखने के बाद अपने जीवन में मैं गारंटी करता हूं आप कभी ऐसा नहीं सोच पाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू सी दिस।